Hello everyone, so today we are going to start our topic, that is percentage. Okay, percentage per 100 means cent means 100, 1 upon 100. जहाँ भी percentage का आपको sign दिखा वहाँ पे आपको 1 by 100 करना है. तो आज के हम क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थोड़े से बेसिक सम पढ़ेंगे. और कौन से फॉर्मूले परसेंटेज के अगर सम अराइज होते हैं तो कौन से फॉर्मूले आपको बिना पढ़े उस फॉर्मूले को लगाना है और डायरेक्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. इसकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं आज हम इस क्लास में कॉन्सेप्ट रिकवर करेंगे. ओके, तो देखिए पहले परसेंटेज एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखते हैं परसेंट क्या है. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इज कॉल्ड परसेंटेज, परसेंटेज को परसेंट क्यों बोला जाता है. द वर्ड परसेंटेज इज डिराइव फ्रॉम came from percent word. Okay, percent word से आया है. If you split the word percentage को आप split करोगे तो it will be splitted into percent. It will be splitted into percent. Percent में split होगा. Cent is an old European word with French, Latin and Italian origin and meaning is 100. Cent means 100. So basically percentage means per 100. Percentage means per 100. Now, suppose 23 is written like this. अगर 23 को ऐसा लिखा है 23 percentage, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? Percentage का मतलब ये 1 by 100 and 23. तो it will be written like this. 23 upon 100 means per 100. आपको directly upon में क्या कर देना है? 100 कर देना है. अगर percentage का sign दिखा तो आपको directly क्या कर देना है? Percentage का 100 लिख देना है per में, means upon में, denominator में. नेक्स्ट देखते हैं. सपोज यहां पे कुछ लिखा है अल्टरनेटिवली एक्स परसेंट ऑफ अ नंबर वाई. अगर आपको लिखा है एक्स परसेंट ऑफ अ नंबर वाई, तो एक्स परसेंट ऑफ नंबर वाई तो आप कैसे लिखेंगे? इसे कुछ भी नहीं करना है, इसके अपॉन में 100, ऑफ मींस ये और ये. इस तरीके से आपको क्या होता है, लिखना होता है. और इसी को अगर लिखेंगे आप एक्सपांडेड फॉर्म में एक्स वाई अपॉन 100, इस तरीके से. सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 16 2 अपॉन 3% ऑफ 300. तो आपको पता ही है 16 2 अपॉन 3% ऑफ 300. बेसिकली आपको पता ही है कि ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है. मिक्स फ्रैक्शन को आपको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. 3 16s are 48, 48 2 and 50 upon 3. 50 upon 3 percentage means again upon 100, 300 upon 100 कर दो और कुछ नहीं, 0 से 0 कट, 3 से 3 and your answer will be 50. What is your answer? Your answer will be 50. हुआ clear mind में? अब देखिए, जब भी आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंट में करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर देना है. और अगर आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला, फ्रैक्शन टू परसेंट में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसका? 100 का. और जब भी आप परसेंट से फ्रैक्शन का करेंगे, परसेंट से फ्रैक्शन का करेंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 100 का. किसका डिवाइड कर देना है? डिवाइड कर देना है 100 का. क्या बोला मैंने, जब भी फ्रैक्शन टू परसेंट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 का, और व्हेनेवर यू आर डूइंग परसेंट टू फ्रैक्शन तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो देखिए 0.5 इज रिटन लाइक दिस, 5 upon 10. इसको क्या करना है, ये कुछ नहीं, ये 0 से 0 कट एंड योर आंसर विल बी 50%. ये एग्जांपल. अब अगर यहाँ की बात करें कि 60%, परसेंट को आपको फ्रैक्शन में करना है तो कुछ नहीं, 60 और डिवाइड कर देना है किसका, 100 का. 0 से 0 कट एंड 2 upon 3 upon 5, इस तरीके से आएगा. या तो फिर डेसिमल में आएगा आपका आंसर. 40% को करना है तो कुछ नहीं, 40 upon 100, 0 से 0 कट, 2 by 5 is your answer. इस तरीके से आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक बेसिकली एक फॉर्मूला होता है.
एक नहीं होते, बहुत होते हैं, बट एक जो बेसिक फॉर्मूला जनरली पूछा जाता है वो कौन सा होता है? जब भी बात कर रहे हैं परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज की, किसकी बात कर रहे हैं? परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज की। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी डिक्रीज हो रहा है, परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, आपको क्या करना है? क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज लिखनी है। जो भी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है उसके अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी लिख देना है इनटू 100। अगर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वाला, डिक्रीज हुआ है सपोज 3/8, तो ये इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, तो 11/8 इंटू 100 आया। इतना माइंड में हुआ क्लियर? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बेसिक सा कॉन्टेक्ट की, क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी ये है और इसको इसमें प्लस करेंगे तो आपकी ये आ जाएंगी इंक्रीज डिक्रीज। अगर इंक्रीज का बोला है तो ऐसा होगा और डिक्रीज का बोला है तो 8 में से 3/8 इनमें से इसी में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए एक और बार, बोला है तो 40 कुछ नहीं, ऐसे लिखा जाता है 40 को, 0 से 0 कट एंड 2/5 इस तरीके से लिखा जाता है 2/5। ये क्या है? ओरिजिनल है, इसी को बोला मैंने 40% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीज वाली है, तो कुछ भी नहीं करना है, इनको क्या कर दो, इंक्रीज के लिए प्लस कर दोगे तो 7/5 इंटू 100। और अगर मैं इसी के डिक्रीज की बात करूंगी तो 2/5 डिक्रीज किया, इसमें से क्या किया? डिक्रीज किया, तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3/5 इंटू 100। ये होता है किसका? इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट बेसिकली पूछा जाता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर परसेंटेज। डाटा इंप्यूटेशन करते हैं तो वहां भी यूज होता है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वहां भी करते हैं तो वहां भी परसेंटेज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सैलरी ऑफ राकेश गोज अप फ्रॉम 100 to 135, तो इंक्रीज हुई, कितनी हुई? 35 हुई ना, 100 से 135, मतलब 35 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 35 अपॉन ओरिजिनल कितना था ये, तो कुछ नहीं, सिंपली इसका भी क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35/100 इंटू 100, 100 से 100 कट एंड टिल द एंड यू विल गेट 35%। लास्ट में आंसर में आपको परसेंट लगाना है, बिकॉज दे आर आस्किंग यू स्पेसिफिकली व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज पूछ रहा है आपसे, तो आपको परसेंट का साइन टिल द एंड लगाना है। यहाँ तक माइंड में क्लियर हुआ? आगे देखिए, ये है कुछ चार्ट, फ्रैक्शन को आप परसेंट में कैसे लिख सकते हैं, और अगर परसेंट ही क्वेश्चन में दिया तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख के क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने बोला यहाँ पे 25% ऑफ 60, क्या बोला? 25% ऑफ 60, तो आपको पता है 25% क्या होता है? 25% होता है, इसको फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं, और ये 60 और ये 1 और ये होता है 1 और 2 और क्या 5 15 आ गया, 15 इज योर आंसर। इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन में भी आपके यूज में होता है, इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि ये इसी में यूज होगा या कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, बट क्या होता है ये स्पेसिफिकली यहाँ पे भी यूज होता है। आया? क्लियर हुआ माइंड में? हाँ, जब भी सिंप्लीफिकेशन जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं वहां भी इसका कुछ लॉजिक यूज होता है, कि आपको ये दे दिया इतना 11/9% दे दिया है, तो 11/9% मीन्स क्या होता है? फ्रैक्शन में 1/9 होता है, तो आपको ये चार्ट कैसा होना चाहिए? एकदम याद होना चाहिए, अगर याद रहा तो आप बहुत ही इजीली क्या कर पाएंगे? सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे देखिए 1/2 मीन्स 50%, इसी को कन्वर्ट कर देंगे तो कैसा होगा? 50/100, ये 0 से ये 1/2, 1/2, तो यही है क्या? इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली 3 33 99 99 plus 100 upon 3 100 upon 3, ऐसे लिखा जा रहा है, अपॉन में 100 कर देंगे, 100 से 100 कट तो 1/3, इसको मिक्स से मैं दिया है तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, 99 100 100 upon 3 और ये परसेंट का 100 और 100 से 100 कट तो 1/3, इनडायरेक्ट वे में 1/3 आ गया, 1/4, इसी को क्या लिखा है? परसेंट का साइन हटा दिए, 1 और ये 4 1/4 लिख सकते हो, 20 100 अगेन 1 से 1 कटा, 1/5 1/5। सिमिलरली अगर यही वो बोल देता कि
टू अपॉन सिक्स को आप क्या लिखेंगे, तो इसमें किसका इंटू कर देंगे, टू का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 16 32 और 4 अपॉन 3। अगर ऐसा कहीं दिखा आपको तो आप डायरेक्टली उसको बोल देंगे कि 2 अपॉन 6 लिखा है। आ रहा है, क्लियर हो रहा है माइंड में कि अगर वो परसेंट का आपको दिया है तो डोंट वेस्ट योर टाइम कि इसको प्रॉपर में करोगे, इसमें करोगे, वो करोगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस। सपोज मैंने बोला है यहाँ पे आपको कि 91 अपॉन 11 परसेंट ऑफ 121, तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 99 एंड 100 एंड 100 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है 91 अपॉन 11 परसेंट क्या होता है, 1/11 होता है, 1/11 ऑफ 121, तो ये 11 था और ये 1 था और वो 11 था, तो योर आंसर विल बी डायरेक्टली लाइक 11। आ रहा है समझ में मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, तो आपको अप्रोक्सीमेट 1 से लेके 1/11 या 1/20 तक आपको एकदम कंठस्थ क्या होने चाहिए, ये याद होना चाहिए ये चार्ट कि फ्रैक्शन को आप परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि 1/9 तो आप उसको परसेंट में डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं कि 1/9 को लिखते हैं 11/9%। ये देखिए मैंने 1/30 तक आपको लिखा हुआ है, जैसे कि 1/12 को क्या बोल सकते हैं अगर परसेंट के बीच में बोले तो 8/1/3, इसी को कन्वर्ट करना है तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी का ये कन्वर्टेड फॉर्म और इसी का ये कन्वर्टेड फॉर्म। आपको पता ही है अभी इससे पहले मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ये और ये इसका चार्ट है, अप्रोक्सीमेट 1 से लेके 1/20 या 1/30 तक आपको फ्रैक्शन के परसेंट याद होना चाहिए कि फ्रैक्शन को उस परसेंट में क्या लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत अराइज होता है कि डायरेक्टली ये दे देगा, डायरेक्टली ये दे देगा, ये दे देगा, तो आपको ये लिख के आप क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉन वाला आपको पता है, डायरेक्ट आपको क्या करना रहेगा, टेबल पढ़ के उसको कट करना रहेगा कि कितने जा और कितने जा नहीं जा रहा है ना, कितने टाइम वो कट हो रहा है या नहीं। इससे रिलेटेड जो अपन फॉर्मूलेज पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जैक्टली किस, अगर वहाँ कैंडिडेट का पूछा है या फिर पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का पूछा है, डिक्रीमेंट का पूछा है, इसकी सैलरी उससे डिक्रीज है या ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे वो वाला जो फॉर्मूले का जो क्लास है वो नेक्स्ट सेशन में अपना कंप्लीट करेंगे। टिल देन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू। If you like it, so please subscribe our channel too. Notification आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे related class से update के। Thank you.